सादा चूल्हा था, कच्चा मकान था हमारा, बच्चे भी हमारे बहुत सी बार भूखे ही सो जाते थे बारिश बारिश में बैठ के रात काटते। अब हम सुकून से जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वो सबको मतलब बहुत सहायता दे रहे हैं। आज तक किसी ने सहायता नहीं दी, जो अपनी तरफ झुकेगा उसी की तरफ तो झुकेंगे हम भी। अच्छा, तो इसी वजह से हमें बहुत खुशी है उनकी तरफ से। दिल में तो हमारी ये जो हमारे हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं हमारे दिल में, तो वो हैं। इस सरकार ने फायदा करा, वोट तो उन्हीं को जानी चाहिए, वोट जाएगी भी उन्हीं को। जिसने हमें गैस चूल्हा दिया है उसी के लिए सोचा है मैंने। रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम जिनने जिंदगी सुधार दिया उसको और देंगे। आंखों की चमक और बेबाक बयान, मुफलिसी से मिली निजात की गवाही देते ये वो लोग हैं जो भारत का भविष्य तय करेंगे। ये खास तबका है जिनकी अलग पहचान है, सियासत में इस जमात को देखने का नजरिया अलग है। जी हाँ, ये सब मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान, जिनके पास कल तक न अपना मकान था, न घर में गैस सिलेंडर, न बैंक में खाता, न ही अस्पताल में इलाज कराने के पैसे। लेकिन इन्हें एक तदबीर मिली, तब तकदीर बदली, और अब दावा यह है कि ये सब के सब उसे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल चुनेंगे जिसने जिंदगी बदली। क्योंकि मंदिर मस्जिद मजहब से परे हैं इनके चुनावी मुद्दे, धर्म जाति बिरादरी से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। इन्हें तो अपना मददगार चाहिए, इन्हें तो हिंदुस्तान का तारणहार चाहिए। गुरबत में जीने वाले मुसलमानों का मददगार कौन है? 2019 के चुनाव में मुसलमान के मन में क्या है? किसे मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट? न्यूज 18 इंडिया की टीम यूपी के बड़े मुस्लिम आबादी वाले 6 जिलों में मुसलमानों के मन की बात जानने पहुंची। मुस्लिम समुदाय के दिल में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, वोट किसे और क्यों देंगे, मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं मुसलमान, नई सरकार से क्या है मुसलमानों की उम्मीदें। एक एक कर सभी सवालों के जवाब बताएं, उससे पहले मुसलमान वोटों की तादाद जान लीजिए ताकि इनकी अहमियत को समझना आसान हो जाए। उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा सीटों में मुसलमानों की आबादी 20 से 55 फीसदी तक है। यूपी की राजनीति का रुख मोड़ने वाली जमात का मिजाज कैसा? मुसलमानों की मन की बात सुनिए। सबसे पहले शुरुआत मुजफ्फरनगर से। हम इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर के सरवट इलाके में, और ये वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी अपना गुजर बसर करती है। जानते हैं यहाँ की वोटर्स का मिजाज आखिर क्या है, आखिर कौन से ऐसे मुद्दे उनके जहन में है जिनको आधार बनाकर वो आने वाली सरकार को चुनेंगे और यहाँ का सांसद भी बनाएंगे। मुजफ्फरनगर का मदरसा महमूदिया सरवट मुसलमानों का मिजाज जानने की सबसे सटीक जगहों में से एक है। यहाँ पढ़े लिखे मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद मिलती है। 2019 के चुनाव में जहीन मुसलमान की सोच क्या है, सुनिए। हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार हमारे यहाँ आए हिंदुस्तान में जो अमन कायम कर सके और मुसलमानों की तालीमी और माशी ज़िंदगी में वो बेहतर काम करे और हमारे जो मामलात हैं दीनी मामलात उनमें दखल अंदाज ना करें। विकास तभी हो सकता है जब कि ये नफ़रत यहाँ से ख़त्म हो जाए इंडिया से, और मोहब्बत और प्यार से मतलब है हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। तभी इसका हिंदुस्तान का विकास हो सकता है, वरना विकास मुमकिन नहीं है। तीन तलाक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बीजेपी सरकार में मौजूदा सरकार ने उठाया और उसका एक बिल भी पास किया, क्या कहेंगे वो महिलाओं के हक में और आपके लिए क्या है वो? नहीं, वो गलत है बिल्कुल, और वो हमारी शरीयत में मुदाखलत है। किसी को अमन पसंद मुल्क की दरकार है, किसी को अपनी शरीयत में दखल अंदाजी की फिक्र। मदरसे में तालीम लेने आए बच्चे इन सब से बेपरवाह अपनी दुनिया में मगन है। राजनीति और चुनाव बच्चों के लिए बेमानी जो है, लेकिन क्या मुजफ्फरनगर के सभी मुसलमान मजहबी मुद्दों पर वोट करेंगे? उन मुसलमानों के दिल में क्या है जिनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ सबसे बड़ी चुनौती है, ये जानने के लिए मुजफ्फरनगर की संकरी गलियों से गुजरना होगा। जिन गलियों में छोटे छोटे मकान हैं, इन मकानों पर मालिक का नाम और सरकारी योजना का नाम लिखा है। मकान में दाखिल होने पर फरीदा बानो मिली, एक कमरे के आशियाने में दुनिया जहान की खुशियां बसाए। फरीदा को सुनिए। हमने बहुत बुरे दिन काटे, बहुत परेशानी में थे, बैठ के रात काटे थे, बच्चे बहुत सी बार भूखे भी सो जाते थे।
अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहती थी? यहीं पे रहते थे, कच्चा था मकान हमारा, कड़ियों का था, छुआ करा था, कच्चा था। अच्छा, अब ये इस योजना का इस्तेमाल करके आपको कितना फायदा महसूस हो रहा है, जीवन कितना आसान हुआ? बहुत आसान हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब तो हमें ये भी नहीं पता कब बारिश हो रही है, कब बंद हो रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ फरीदा बानो उज्ज्वला योजना और राशन कार्ड की भी लाभार्थी हैं। फरीदा जैसी ही कहानी शबनम की है। शबनम का खाता पहली बार बैंक में खुला और अब उनका कच्चा मकान पक्का होगा। नहीं, हमने फॉर्म भर रखा है। हाँ। तो बोल रहे हैं कि बैलेंस लगा हुआ है और अब आ जाएगा। अच्छा, और भी कोई योजना है जिसका इस्तेमाल आपने किया है? जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया। सरकारी मदद से मुस्लिम महिलाएं बेहद खुश हैं। सरकार का गुणगान करने से भी इन्हें परहेज नहीं, तो क्या किसान कारोबारी मुसलमानों की भी राय इनसे मिलती जुलती है? बाजार में लोगों का मूड कैसा है? नोटबंदी से बहुत असर पड़ा। क्या परेशानी हुई आपको? पैसा नहीं मिला टाइम पे, खाद नहीं मिला। हाँ। खेती में बहुत कमी आई। फसल कम हुई फसल। अच्छा, प्रधानमंत्री की योजना किसान सम्मान निधि, इसका इस्तेमाल किया? पैसे मिले आपको सालाना? 6,000? अभी नहीं मिले हमें पैसे, मिले नहीं अभी। नहीं मिले अभी तक? नहीं, अभी नहीं तक मिले नहीं। तो मुजफ्फरनगर सूरडो में तो बिजली सही चल रही। किसान खेती कैसी चल रही है आपको? खेती करने में कुछ परेशानी हो रही है? मौजूदा सरकार से खुश है, खफा है, क्या है? ठीक है साथ। कारोबारियों और किसानों की मिली जुली राय, कुछ की शिकायतें गंभीर हैं तो कुछ संभाव में खुश। चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले अब्दुल का चुनावी उम्मीदवार चुनने का पैमाना जानना कम दिलचस्प नहीं। हमेशा आज तक जो भी वोट किए किसी पार्टी के हवाले से नहीं दिए, मैंने उम्मीदवार को देखा है कि वो तालीम याफ्ता हो और इंसानियत वाला हो और उसका कैरेक्टर अच्छा हो और जो विकास कर सकता हो, जो अच्छी सोच रखता हो, नफरत ना फैलाता हो, मोहब्बत फैलाता हो। अब्दुल चाय पिलाने के साथ शायरी से ग्राहकों को जीने का शहूर भी सिखाते हैं। अब्दुल की चाय की बगल में हाजरा रहती है। हाजरा की नई दुनिया बस रही है। उनका आशियाना सरकारी मदद से संवर रहा है। छत डल जाए हमारा। हाँ। और जी बस अपने बच्चों में अपना छत में रह ले, दूसरों के घर इस तरह परेशान हो रहे हम। हाँ। जी हमें बहुत खुशी होगी। मुजफ्फरनगर से करीब 65 किलोमीटर दूर सहारनपुर की मुस्लिम महिलाएं भी क्या हाजरा जितनी ही खुश हैं? ये सहारनपुर की तबस्सुम का घर है जहाँ इस वक्त हम मौजूद है। तबस्सुम हमारे साथ है। तबस्सुम जी, आप कब से यहाँ रह रही है सहारनपुर में? 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा सरकार को 5 साल हो गए हैं, कुछ कोई सुविधा आपको मिली है उस सरकार से जितनी सारी योजनाएं आई है? एक तो चूल्हा, एक गैस सिलेंडर मिले थे। हाँ जी। उसके बाद? अच्छा, आपने उज्ज्वला योजना, ये गैस और चूल्हा जो आपके पीछे है वो आपको मिला है? जी। अच्छा ठीक है। अब दोबारा से 11 अप्रैल को सहारनपुर वालों को वोट करना है, तो क्या सोचा है, किसको, कौन है मन में, कौन सी बात होगी? जिन्हें जिंदगी सुधार दिया उसको वोट देंगे। दिल से दुआएं देती तबस्सुम फैसला कर चुकी है। सहारनपुर के बाजार में भी तबस्सुम जैसी राय रखने वालों की भरमार है। सरकार मतलब हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, तो हमें मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहारनपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाके की महिलाओं की मुश्किलें क्या हैं? क्या उन्हें सरकारी मदद मिली? मेहनत कशों की मुस्कान सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। सहारनपुर से मेरठ चलिए, वहाँ के मुसलमान के दिल की सुनिए। 20% मुसलमान आबादी वाली लोकसभा सीट मेरठ, जहाँ की अंजुम की बीमार माँ के लिए जीवन दान बनी आयुष्मान योजना। इतनी खुशी है कि अगर हमारे पास बाई चांस पैसे नहीं है और हमारे घर में मरीज, ये मेरी मम्मी है, इनकी तबीयत खराब रहती है और कभी अचानक इनकी तबीयत खराब हो जाती है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पैसा नहीं हो पाता किसी टाइम पे। लेकिन हमें जो ये लाभ मिला है प्रधानमंत्री जी का, तो हम इनको कार्ड को लेके जाएंगे, हमारा सब कुछ फ्री में होगा, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो हमें भी कुछ करना चाहिए इनके लिए। अंजुम की मां की सेहत सुधरी तो शमशाना का नया बैंक खाता उनकी खुशियों की आमद बना। ये अकाउंट खुलवाने के बाद आपको कितनी सहूलियत महसूस हुई? कितनी सहूलियत महसूस हुई है जब से इन्होंने खाता खुलवाया, जब से बहुत फायदे हुए हैं। फिर से पहले आपको कोई खाता नहीं था? खाता नहीं था, इससे पहले यही खाता है हमारे पास। शमशाना सी कहानी स्टोव पर खाना बनाने वाली शबीना की भी। शबीना के लिए गैस सिलेंडर खुशियों का खजाना है।
थी, मैं स्टॉप पे काम करती थी। जब तेल नहीं मिलता था तो फिर स्टॉप पे वो गैस पे काम करना पड़ता था। 100 रुपए किलो में गैस मिलती थी वहाँ में। फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। फिर जब मैंने फॉर्म भरा तब ये इसमें नंबर आया, फर्स्ट आई को मुझे मिल गया ये फर्स्ट जनवरी। अच्छा, तो आप बहुत खुश हैं उज्ज्वला योजना से? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश। अलीगढ़ शहर जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े विवाद जन्म लेते हैं, उस शहर के आम बाशिंदों का चुनावी मुद्दा चौंकाने वाला है। 20% मुसलमान आबादी वाले अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं के मन की बात सुनिए। ये अलीगढ़ की साइमा का घर है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, और घर की मालकिन साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं आप, कैसे है दाल सब्जी सब कैसे है? सस्ते महंगे हैं? नहीं, ठीक है, जिस हिसाब से चल रहा है सब ठीक चल रहा है। आप वो डालती हैं? जी, पहले से डालती हूँ, अब भी डालूंगी। तो क्या सोचा है इस बार? जिसने हमें गैस चूल्हा दिया है उसी के लिए सोचा है मैंने। गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने से सभी की समस्या सुलझ गई हो ऐसा भी नहीं। महंगाई की मार से परेशान मुस्लिम महिलाओं की दलीलें अलग हैं। गैस चूल्हा लिया है कुछ? जी लिया। गैस चूल्हा लिया आपने? लिया। आप क्या सोचती हैं? आपकी आप बताइए, दाल सब्जी सब सस्ती? सब महंगी है भाई, कम मजदूरी वही 250-300 रुपये रोज की है। हाँ। और वही सब्जी 50-40-30 24-25 रुपया किलो। हाँ। गरीब आदमी है, कहाँ से लाऊं मैं इतना, कहाँ से ऊपर है। अलीगढ़ की मुसलमानों की सरकार से शिकायतें सफाई सड़कों से लेकर विकास के कई कामों को लेकर। कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए मुस्लिम इलाकों में। ना तो कोई सफाई व्यवस्था है, ना सड़क व्यवस्था है, नाले हमारे सामने अटे हुए पड़े हैं। मुरादाबाद शहर का हुस्न एक छत से दिखती मस्जिदों की मीनार और मंदिरों की धर्म ध्वजाएं हैं। शायरों की शहर का मिजाज एक शायर की जुबानी सुनिए। हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। इसी मुरादाबाद की शबनम के सपनों का घर 6 महीने पहले बना। सरकारी मदद से बने इस मकान की दरो दीवार की कहानी शबनम सबको सुनाती। 2019 के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रही मुस्लिम लड़कियों की मन की बात भी जान लीजिए। इस बार ऐसी सरकार आनी चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे। नई पीढ़ी रामपुर में चली आ रही राजनीति की रवायत बदलने को बेताब है, तो वहीं पुरानी पीढ़ी भी इनके सुर में सुर मिला रही है। कैसे बना रही हैं आप घर? उसी की वजह से बहुत परेशानी थी हमें। हाँ, मोदी जी की वजह से ही परेशानी तो है इंशाल्लाह। जिन्हें मदद मिली वो खुश हैं, जिन्हें और भी ज्यादा की उम्मीद है उनके शिकवे आम तौर पर बीजेपी और मोदी की विचारधारा से मेल ना रखने वाले मुसलमानों की राय अब बदली है। इसलिए 2019 के चुनाव में मुसलमान विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। ये बात और है कि मुसलमानों के मन में क्या है, ये 23 मई को चुनावी नतीजों से ही तय होगा।